नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूं सिरसा के डेरा सच्चा सौदा के बिल्कुल सामने। सबसे बड़ी खबर आ रही है साथियों, सभी साथियों से गुजारिश है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और मैं मेरे कैमरे सहयोगी से कहूंगा कि ये मोटरसाइकिलों का एक बार ये दिखाएं। जैसे जैसे डेरा सच्चा सौदा के भक्तों को जानकारी, प्रेमियों को जानकारी मिली है कि बाबा राम रहीम सिंह जी इंसा को 21 दिन की पेरोल फरलो मिल चुकी है, तो उसके बाद यहाँ पर धीरे धीरे प्रेमियों का जमावड़ा शुरू हो चुका है। सभी साथियों से गुजारिश है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि डेरा सच्चा सौदा के मुखी गुरमीत बाबा राम रहीम सिंह जी इंसा को 21 दिन की फरलो मिल चुकी है। साथियों, सभी साथियों से गुजारिश है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा साथी जुड़ेंगे। हाँ जी, धन सतगुरु तेरे यात्रा। कितनी खुशी है जी, 21 दिन? बहुत 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 खुशी। हाँ जी, और क्या कहना चाहोगे आप? बल्ले 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 बल्ले। ये आप देख सकते हैं डेरा सच्चा सौदा के प्रेमी है, वो धीरे धीरे जुटने लगे हैं और इनकी खुशी बता रही है कि ये कितने खुश है। हम सभी साथियों से गुजारिश करेंगे कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब धीरे धीरे रौनक है डेरा सच्चा सौदा की वो बढ़ने वाली है, क्योंकि कभी भी डेरा सच्चा सौदा के जो मुखी है बाबा गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा कभी भी यहाँ पर डेरा सच्चा सौदा सिरसा में आ सकते हैं। सभी साथियों से गुजारिश है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं मेरे सामने दिखाना चाहूंगा कि मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, मेरे सामने दिखाएं किस तरीके से डेरा सच्चा सौदा सिरसा के बाहर धीरे धीरे प्रेमी है वो जुटने शुरू हो चुके हैं। धीरे धीरे प्रेमियों का जमावड़ा यहाँ शुरू हो चुका है, कभी भी किसी वक्त आ सकते हैं, आप देख सकते हैं। सभी साथियों से गुजारिश है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धीरे धीरे यहाँ पर प्रेमी जुटने शुरू हो गए हैं। आपको मैं बता दूं, ऑटो और लाइनें मोटरसाइकिल की और कारों की लाइनें लगनी शुरू हो चुकी है। सभी साथियों से गुजारिश है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सबसे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि 21 दिन की जो फरलो है बाबा राम रहीम सिंह जी इंसा को मिली है, और उसके बाद मैं आपको बता दूं 21 दिन की जो फरलो मिली है उसके बाद सशर्त मिली है जो पुलिस कस्टडी के अंदर बाबा राम रहीम सिंह जी इंसा रहेंगे और उनका व्यवहार देखा जाएगा। अगर उनका व्यवहार सही रहा, ठीक ठाक रहा, तो आगे भी पेरोल मिलती रहेगी और डेरा सच्चा सौदा के जो प्रेमी हैं, भक्त हैं, जो भी उनके अनुयायी हैं, उनके अंदर जो खुशी का जो लहर है, खुशी है, वो झलक दिखाई दे रही है। सभी साथियों से गुजारिश है, ये आप देख सकते हैं, मैं मेरे कैमरे से योगी से कहूंगा, धीरे धीरे मोटरसाइकिल कारें धीरे धीरे यहाँ पर आनी शुरू हो चुकी है। सभी साथियों से गुजारिश है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा साथी जुड़ जाएं और वीडियो को शेयर करें। मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, लाइव दर्शाओ, मिठाइयाँ बन रही है, आपको दिखा देना चाहता हूँ मिठाइयाँ बन रही है, और इसके साथ साथ जो डेरा के प्रेमी है उनसे भी मुलाकात करवाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, नमस्कार जी, 21 दिन की पेरोल मिली है बाबा राम रहीम सिंह जी, बहुत ज्यादा खुशी है जी हमारे को। और क्या कहना चाहोगे आप? इससे ज्यादा क्या कहेंगे, खुशी हमारा कोई, ये देख सकते हैं भावुक हो चुके हैं, इनको बहुत ज्यादा खुशी है, और इनके साथ साथ बार भी प्रेमी जी बैठे हैं। धन सतगुरु तेरे यात्रा, धन सतगुरु तेरे यात्रा। 21 दिन को बाबा राम रहीम सिंह जी को पेरोल, खुशी की बात गदगद है जी। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा है। और क्या कहना चाहोगे, क्या संदेश? बस सेंसा जी कहेंगे, जो कहेंगे दर्शन कर ले, इतने बहुत है हमारे। ये आप देख सकते हैं खुशी है, हद से ज्यादा खुशी है। सभी साथियों से गुजारिश है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धीरे धीरे यहाँ पर चहल पहल, रौनक, मिठाइयां बननी शुरू हो चुकी है। सभी साथियों से गुजारिश है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यहाँ पर मिठाइयां बननी शुरू हो चुकी है और जो डेरा सच्चा सौदा के जो प्रेमी है, तमाम प्रेमी है, तमाम जो अनुयायी है, वो खुशी के मारे समाए नहीं जा रहे। यहाँ पर ऑटो से प्रेमी सिरसा से या बार से आने शुरू हो चुके हैं। सभी साथियों से गुजारिश है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा साथी जुड़े, क्योंकि मैं डेरा सच्चा सौदा सिरसा के बाहर बिल्कुल लाइव हूं। जो मेन बड़ा डेरा सच्चा सौदा का जो मेन डेरा सच्चा सौदा है, बड़ा है, वहां पर मैं लाइव हूं। सभी साथियों से गुजारिश है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपको दिखा देना चाहता हूं कि यहां पर चहल पहल किस तरीके से देखने को मिल रही है। हम आपको बता दें, बहुत बड़ी खबर ये है कि 21 दिन की जो पेरोल है, फरलो है, बाबा राम रहीम सिंह जी इंसा को मिल चुकी है, और इसके साथ साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 21 दिन की जो पेरोल मिली है उसमें सशर्त पेरोल मिली है, उनका व्यवहार देखा जाएगा। अगर उनका व्यवहार ठीक रहा, 21 दिन बाद वो फिर से जेल में चले जाते हैं, उसके बाद फिर भी उनको पेरोल मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है, और उसके बाद में वो बार बार पेरोल मिलती रहेगी, उनका व्यवहार देखा जाएगा इन 21 दिनों के अंदर। और हमने आपको पहले ही बताया था, कल ही हमने आपको बता दिया था कि इस तरीके से अंकासा लगाई जा रही थी, अनुमान लगाया जा रहा था कि डेरा सच्चा सौदा
के जो प्रेमी है उनके मन से भी एक बात निकल कर सामने आ रही थी। अनुमान लगाया जा रहा था कि बाबा राम रहीम सिंह जी इंसा को पेरोल कभी भी मिल सकती है। और कल डेरा सच्चा सौदा सिरसा में लगातार 20 मिनट तक पटाखे जले थे, इसलिए हमने पहले ही आपको बता दिया था पेरोल कभी भी मिल सकती है। और वो पेरोल हम आपको बता दें आज मिल चुकी है, 21 दिन की पेरोल मिल चुकी है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, धीरे धीरे जो सिरसा से प्रेमी है वो भी आने शुरू हो चुके हैं, धीरे धीरे सभी साथी यहाँ पर आने शुरू हो चुके हैं। डेरा सच्चा सौदा के प्रेमी धीरे धीरे यहाँ पर आने शुरू हो चुके हैं। हम आपको बता दें यहाँ पर गेट के आगे इंतजाम किए हुए हैं, मास्क वगैरह रखे हुए हैं, कोई भी प्रेमी अब अंदर जाना चाहेगा तो उसके मास्क वगैरह लगाकर वो अंदर जाएंगे। यहाँ पर बहुत अच्छा प्रबंध कर रखा है। यहाँ पर डेरा सच्चा सौदा के जो प्रेमी है अनुयायी है उनके अंदर खुशी की लहर है। और इसके साथ साथ हम आपको बता दूं, जो सच कहूं न्यूज चैनल है वो हमेशा से आगे रहता है समाज सेवा में। नमस्कार जी, आपका स्वागत है। कितनी खुशी है जी डेरा प्रेमियों के अंदर? एक मिनट में बैक कॉल करता हूँ भाई जी। जी बिल्कुल, सॉरी मैं सिरसा की आवाज़। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, खुशी तो ऑब्वियसली होनी चाहिए। एक आप कहें कि दिवाली नहीं मनाई डेरा प्रेमियों ने, होली नहीं मनाई, क्योंकि उनको पता है कि उनके पूज्य गुरुजी जो हैं वो मानते हैं कि वो निर्दोष हैं, बेकसूर हैं। और बस बाकी बात प्रेम की है, आस्था की है। मैं इतना कहना चाहूंगा कि हमेशा से डेरा प्रेमियों ने संयम दिखाया है, शिष्टाचार दिखाया है, और वो कानून की पालना करने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। तो उसी तर्ज पर आज भी देखने को मिलेगा आपको, कुछ ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये एक वैसे भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ये सच को परेशान किया जा सकता है, बदनाम किया जा सकता है, लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता। देखिए ये कोर्ट की लड़ाई है एक्चुअली ना, इसको इसको बाहर तो कुछ बोलना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि सारे मामले जो है अंडर ज्यूरिडिक्शन है, तो उसपे ऐसा कुछ कहना तो ठीक नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि हाँ, सच की जीत होती है न्यायपालिका पर। डेरा सच्चा सौदा के प्रेमियों को, पूज्य गुरु जी को, पूरी मैनेजमेंट को हमेशा से भरोसा रहा है और हमेशा रहेगा। और चूंकि ये देश जो है संविधान से चलता है ना, और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो जाता है 3 साल बाद किसी भी प्रिजनर का, जो आर्टिकल 16 है उसके तहत अगर आप देखेंगे तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो आपको एक छुट्टी चाहिए या फर्लो चाहिए, आपको अपना घर बार देखना है, संभालना है, परिवार संभालना है, तो उसके एक कानूनी हक है ये। धन्यवाद, शुक्रिया जी। तो सभी साथियों से गुजारिश है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। और इसके मैं आपको सामने वाली लाइन में दिखा देता हूँ कि यहाँ पर कार मोटरसाइकिल की यहाँ पर लाइनें लग चुकी है। और इसके साथ साथ मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ डेरा सच्चा सौदा के जो प्रेमी हैं उनके अंदर जोश बना हुआ है, और जोश के साथ उनका वो होश में भी है, और जोश के साथ होश में भी है। और आप देख सकते हैं धीरे धीरे यहाँ पर लाइनें लगनी शुरू हो चुकी है डेरा सच्चा सौदा सिरसा के अंदर। तो सभी साथियों धन धन शत्रु तेरे यात्रा। कितनी खुशी है जी, 21 दिन की पेरोल? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी खुशी है जी। हाँ जी, हाँ जी। और क्या मैसेज देना चाहोगे? बहुत अच्छा है मैसेज, तो ही है समाज के लिए जो आ रहा है दरबार, बहुत अच्छा है। ठीक है, शुक्रिया। तो मैं सामने दिखाना चाहूंगा, सभी साथियों से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को सभी साथी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा साथी वीडियो को शेयर करें, क्योंकि मैं डेरा सच्चा सौदा सिरसा के बिल्कुल सामने मौजूद हूँ, बाहर मौजूद हूँ। तो सभी साथियों से गुजारिश है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप देख सकते हैं धीरे धीरे जैसे भी मैसेज लग रहा है डेरा सच्चा सौदा के प्रेमियों को, उसी तरीके से धीरे धीरे यहां पर रौनक और जमावड़ा यहां पर धीरे धीरे बढ़ रहा है। और भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, सभी साथियों से गुजारिश है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा साथी जुड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा साथी जुड़ेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। ये आप दिखाएं, जो मोटरसाइकिल स्टैंड है वो दिखाएं। आप देख सकते हैं धीरे धीरे यहाँ पर 10 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पर इतना ये जमावड़ा लग चुका है, और इसके बाद में तमाम जो डेरा प्रेमी है वो धीरे धीरे यहाँ पर जुटने शुरू हो जाएंगे। सभी साथियों से गुजारिश है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि हम आपको बता दें बहुत बड़ी खबर है कि 21 दिन की जो पेरोल है, फरलो है, वो डेरा मुखी बाबा राम रहीम सिंह जी इंसा को मिल चुकी है। उसके बाद कभी भी डेरा सच्चा सौदा बाबा राम रहीम सिंह जी इंसा कभी भी बाहर आ सकते हैं, और बाहर आकर यहाँ पर डेरा सच्चा सौदा सिरसा में यहाँ पर रहेंगे, और वो पुलिस कस्टडी में रहेंगे, और पुलिस कस्टडी के दौरान उनका व्यवहार देखा जाएगा। और 21 दिन तक अगर उनका व्यवहार ठीक ठाक रहा, उसके बाद वो दोबारा जेल में चले जाते हैं 21 दिन के बाद में, उसके बाद में बार बार उनको पेरोल मिलती रहेगी। सभी साथियों से गुजारिश है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और डेरा सच्चा सौदा के सामने का दृश्य दिखाएं, सामने का दृश्य दिखाएं, और दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर
उनके जो प्रेमी हैं वो धीरे धीरे जुटने शुरू हो चुके हैं, पत्रकार साथी यहाँ पर आने शुरू हो चुके हैं, तमाम नेशनल मीडिया भी यहाँ पर आनी शुरू हो चुकी है धीरे धीरे, जैसे भी लोगों को पता लगा, क्योंकि आप आज सोमवार का दिन था और लोग अपने घरों से बाहर अपने काम धंधे के लिए गए हुए थे, जैसे भी धीरे धीरे प्रेमियों को सूचना मिल रही है उसी तरीके से कल आपने सूचना दी थी कि डेरा सच्चा सौदा में पटाखे जल रहे हैं, बज रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अनुमान लगाया जा रहा था कि डेरा सच्चा सौदा के जो मुखिया उनको जमानत मिल सकती है। कल भी पता लग गया था जमानत होने के बहुत 101% चांस है, इसलिए कल भी पटाखे बजने शुरू हो चुके थे। प्रेमियों में कल भी बहुत खुशी का माहौल हो चुका था। आपको कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बढ़िया है जी, यहाँ आए उनका व्यवहार अच्छा रहा तो आगे से आगे पेरोल मिलती रहेगी। ये आप देख सकते हैं आसपास के लोग भी खुशी हैं, क्योंकि किस तरीके से हम आपको बता दें कि यहाँ पर ये आप देख सकते हैं सामने, मैं दृश्य दिखाना चाहूंगा कि मैं मेरे कैमरे से योगी को कहूंगा कि वो दिखाएं। हाँ जी नमस्कार जी, धन धन सतगुरु तेरे पेरोल मिल चुकी है बाबा जी को 21 दिन की। बड़ी खुशी की बात है, बहुत ही खुशी की बात। क्या कहना चाहोगे? बस यही है, बहुत खुशी है, बस अब दोबारा मिल जाए वहाँ। ये आप देख सकते हैं, ये प्रेमी जी कहते हैं कि बहुत खुशी है, अब दोबारा नहीं जाना चाहिए। ये आप देख सकते हैं, सभी साथियों से गुजारिश है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि तमाम अपडेट हम आपको लगातार पल पल और ग्राउंड लेवल की खबरें दिखाते हैं, कोई एडिटिंग पेडिटिंग नहीं है, लाइव चल रहा है। सभी साथियों से गुजारिश करूंगा वीडियो को शेयर करें, क्योंकि यहाँ पर लाइव चलता है, हमेशा लाइव चलता है यहाँ पर, क्योंकि हमारा जो चैनल है सिरसा की आवाज है वो लाइव पर विश्वास रखता है और हमेशा लाइव चलता आता है। तो सभी साथियों से गुजारिश है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि मैं आपको बताना देना चाहता हूँ, आप देख सकते हैं कि डेरा सच्चा सौदा के जो मुखी बाबा राम रहीम सिंह जी इंसा है, उनको 21 दिन की पेरोल मिल चुकी है, फरलो मिल चुकी है, उसके बाद में यहाँ पर कभी भी वो पहुंच सकते हैं। और डेरा सच्चा सौदा के जो प्रेमी है उनके अंदर खुशी है, उनके अंदर जोश है, और जोश के साथ उनके अंदर होश भी है, और उनका साफ साफ कहना है कि कानून व्यवस्था पर उनको विश्वास है, कोर्ट पर विश्वास है, और 21 दिन की जो पेरोल मिली है उसके बाद बाबा राम रहीम सिंह जी इंसा का व्यवहार देखा जाएगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बार बार एक हमारे साथ एक प्रेमी जी भी मौजूद है, धन धन सतगुरु तेरे यात्रा जी, 21 दिन की पेरोल मिल चुकी है जी बाबा जी, धन्यवाद। क्या कहना चाहोगे? पिताजी हमारे भी चाहेंगे जी समाज को बहुत सुधार मिलेगा और शांति प्रिय रहेगा, सारा माहौल बढ़िया बढ़िया रहेगा। हाँ, बढ़िया रहेगा। ये आप तो डेरा सच्चा सौदा हमेशा मर्यादा का पालन करता है, दान दान सतगुरु तेरे यहाँ। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से डेरा प्रेमी है, वो बहुत ज्यादा उत्सुक है, जोश में है और होश में है, और इनके साथ साथ उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से जो पेरोल मिली है वो बहुत सराहनीय है। और इसके बाद में एक युवा साथी है जो बार बार हमारे आसपास घूम रहे हैं। हाँ जी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी बहुत अच्छा लग रहा है, ये आप देख सकते हैं इनको भी अच्छा लग रहा है। तो सभी साथियों से गुजारिश है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा साथी जुड़ेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि जो हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सचदेवा जी हैं वो भी पहुंच चुके हैं डेरा सच्चा सौदा के बिल्कुल सामने। तो सभी साथियों से गुजारिश है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, डेरा सच्चा सौदा के सामने का दृश्य दिखाएं। मैं मेरे कैमरे से योगी से कहूंगा कि वो दिखाएं और उसके बाद में जो सभी तस्वीरें दिखाएं और उसके बाद में हम आपको बता दें कि डेरा मुखी बाबा राम रहीम सिंह जी इंसा है, उनको 21 दिन की जो पेरोल है वो मिल चुकी है, और उसके बाद में यहाँ पर कभी भी बाबा राम रहीम सिंह जी इंसा आ सकते हैं और यहाँ पर डेरा में पुलिस कस्टडी में रहेंगे। और तमाम हाँ जी नमस्कार, क्या जी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये आप देख सकते हैं जो डेरा प्रेमी है वो साइकिल लेके किस तरीके से यहाँ पर आ चुके हैं और हमसे पूछ रहे हैं कब तक आएंगे, ये हमें नहीं पता कब तक आएंगे, लेकिन कभी भी आ सकते हैं। तो सभी साथियों से गुजारिश है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा साथी जुड़ें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा साथी जुड़ें। हाँ जी नमस्कार जी, क्या नाम है? नमस्कार जी, सुधीर कुमार है जी। हाँ जी 21 दिन की पेरोल मिली है, क्या कहना चाहोगे जी? सर मैं पता नहीं अभी जब यहाँ आया हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ जी, बाकी हमारे वैसे पता लग गया कि मिल गई पेरोल। अच्छा अच्छा मिल गई। तो आप देख सकते हैं डेरा सच्चा सौदा सिरसा के आगे किस तरीके से यहाँ पर धीरे धीरे जो प्रेमी है वो आने इकट्ठे हो गए हैं, शुरू हो चुके हैं। सभी साथियों से गुजारिश है कि वीडियो को आप सभी साथी ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। हाँ जी सचदेवा जी, तो हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार है, सचदेवा जी एक मिनट,
तो उनसे जानेंगे कि जो ये पैरोल मिली है इसके बारे में इनकी क्या राय है, ये क्या कहना चाहते हैं, ये भी अपनी राय रखेंगे। तो प्रदीप जो सचदेवा जी हैं वो हमारे MLG.com से, नमस्कार जी, आपका स्वागत। नमस्कार जी। जो 21 दिन की फरलो मिली है, पैरोल मिली है, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है, वैसे तो ये लीगल मामला है, अदालतों के अधिकार क्षेत्र की बात है, वो ऐसी पैरोल दे सकते हैं, लेकिन इसको जोड़ के तो पंजाब के चुनाव से ही देखा जा रहा है। लोग ये मान रहे हैं कि इसका चुनावी कोई लाभ लेने के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है, हालांकि अदालतों के अधिकार क्षेत्र को कोई चैलेंज कैसे कर सकता है, कोई कह नहीं सकता। लेकिन जो पंजाब में चुनाव है और हर बार डेरे की भूमिका परोक्ष रूप में ही सही, प्रत्यक्ष रूप में ना हो, लेकिन कहा जाता है कि डेरे की भूमिका होती है, और पिछले चुनाव में भी पंजाब में कहा गया कि डेरे के जो वोटर ने खासतौर पे मालवा में जहाँ पर 69 सीटें वहां पर अपना प्रभाव दिखाया था, और लग रहा है कि इस बार भी ऐसा कुछ होगा। लेकिन अदालत ने जो फैसला दिया है वो सबको मानना होता है, होना भी चाहिए, नियम कायदे कानून से ही तो देश चलता है ना, और अगर उसका सम्मान सबको करना चाहिए, और जो भी प्रक्रिया है, जो जिन शर्तों पे उन्होंने पैरोल दी है, उसका डेरे के अनुयायियों को भी और जो लोग हैं इससे जुड़े सबको उनका सम्मान करना। तो मैं मेरे कैमरा सहयोगी से कहूंगा, ये आप देख सकते हैं ऑटो और कारें आनी शुरू हो गई है धीरे धीरे, यहाँ पर मिठाइयाँ बननी शुरू हो चुकी है, और धीरे धीरे ऑटो और कारें आनी शुरू हो चुकी है, धीरे 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 यहाँ पर हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में यहाँ पर प्रेमी मौजूद हो सकते हैं, कभी भी यहाँ पर पहुंच सकते हैं। तो सभी साथियों से गुजारिश है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा साथी जुड़े। हमारे तमाम पत्रकार साथी हैं वो भी पहुंच चुके हैं, सोनिया खत्री जी है जो सिरसा में मानी जानी पत्रकार है, वो भी पहुंच चुके हैं, सभी साथी पहुंच चुके हैं, सभी यहाँ पर MLG.com है, प्रदीप सचदेवा जी वो पुराने पत्रकार हैं, वो भी पहुंच चुके हैं। तो सभी साथियों से गुजारिश है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा साथी जुड़े, क्योंकि यहाँ पर मिठाइयाँ बढ़नी शुरू हो चुकी है और प्रेमी यहाँ पर आने शुरू हो चुके हैं, धीरे धीरे यहाँ पर रौनक बढ़ चुकी है। और हम आपको बता दें कि धीरे धीरे किस तरीके से यहाँ पर रौनक बन चुकी है। तो सभी साथियों से गुजारिश है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा साथी जुड़ें, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से यहाँ पर डेरा सच्चा सौदा के जो प्रेमी हैं उनके अंदर जोश है वो बिल्कुल दिखाई दे रहा है। और आपको बता दूं, ये आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो जोश है वो देखने को मिल रहा है, और जो जोश के साथ होश है डेरा प्रेमियों का वो भी देखने को मिल रहा है। तो सभी साथियों से गुजारिश है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो 21 दिन की पैरोल मिली है, परलो मिली है, उसके बाद में कई मायने और कई क्यास लगाए जा रहे हैं। मायने ये है कि किस तरीके से जो 21 दिन की पैरोल मिली है उसके बाद में जो आगे के रास्ते हैं वो भी खुल गए हैं, जो आगे के रास्ते हैं वो भी खुल गए हैं पैरोल के, और जेल से बाहर आने के आगे के रास्ते भी खुल गए हैं। सभी साथियों से मैं कहना चाहूँगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो आगे के रास्ते हैं वो भी खुल गए हैं, और आगे के जो रास्ते खुले हैं वो मैं आपको सिलसिलेवार बताता हूँ कि जो 21 दिन की पैरोल मिली है उसमें व्यवहार देखा जाएगा। सबसे मुख्य कारण व्यवहार देखा जाएगा, चाल चलन देखा जाएगा कि कैसा है, जो कानून है, नियम कानून कायदे हैं उनका पालन करते हैं या नहीं करते। अगर नियम कानून कायदे हैं उनका पालन करते हैं तो उसके बाद में बार बार पैरोल मिलेगी और मिलती रहेगी, क्योंकि यह एक भारत के संविधान के अनुसार हर नागरिक का कर्तव्य और अधिकार होता है पैरोल लेने का और जमानत लेने का। और इसी के अनुसार यहाँ पर बाबा राम रहीम सिंह जी इंसा भी एक भारत के नागरिक है, और भारत के नागरिक के अनुसार ही उनको पैरोल मिली है। और इसके साथ साथ डेरा सच्चा सौदा सिरसा के बाहर मैं मौजूद हूँ, और डेरा सच्चा सौदा सिरसा के बाहर धीरे धीरे जो प्रेमी है वो आने इकट्ठे हो चुके हैं, और मेरे साथ एक प्रेमी जी मौजूद है। नमस्कार जी, क्या नाम है जी? 21 दिन की पैरोल मिली है जी, क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छी बात है जी, दुनिया का सुधार होगा, लोगों को अच्छी शिक्षा देंगे, हमें प्रेमियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। कहाँ से हो जी आप? पंजाब से, हरियाणा से। हरियाणा से। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से ये कह रहे हैं कि जो डेरा सच्चा सौदा के जो मुखी है बाबा राम रहीम सिंह जी, इंसा को जमानत मिली है, उसके बाद में इनके अंदर खुशी है और लोग भावुक भी हो रहे हैं, और कुछ लोग तो कैमरे के सामने भी नहीं आ रहे क्योंकि भावुक ज्यादा है, और वो अपने गुरु का दर्शन करेंगे। और मैं इसके साथ साथ मैं दिखाना चाहूंगा किस तरीके से यहाँ पर धीरे धीरे कार, मोटरसाइकिल, ऑटो, रिक्शा सबकी लाइनें लगनी शुरू हो चुकी है। धीरे धीरे मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ किस तरीके से लाइनें लगनी शुरू हो चुकी है। और सभी साथियों से गुजारिश है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा साथी जुड़ें और वीडियो को शेयर करें। या आप देख सकते हैं कार, मोटरसाइकिल,
स्कूटर बाइक स्कूटरी सब व्हीकल आ रहे हैं। और कल से ही कयास लगाए जा रहे थे और डेरा सच्चा सौदा सिरसा के अंदर पहले से ही पटाखे जल गए थे। और आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे बच्चे हैं, डेरा के प्रेमी हैं, ये भी यहाँ पर आ चुके हैं। छोटे छोटे बच्चे भी हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं किस तरीके से इनके अंदर खुशी है। आप देख सकते हैं खुशी है, खुशी देखने को मिल रही है। और सभी साथियों से गुजारिश है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि खुशी है बच्चों के अंदर भगवान होता है और बच्चे खुश हैं। तो सभी साथियों से गुजारिश है कि वीडियो को आप सभी साथी ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। और आप देख सकते हैं किस तरीके से डेरा सच्चा सौदा के बाहर निकलते हुए लोग, आपको मैं दिखाना चाहूंगा किस तरीके से यहाँ पर धीरे धीरे जो जमावड़ा है वो शुरू हो गया है। और हम आपको बता दें 21 दिन की जो पेरोल है बाबा राम रहीम सिंह जी इंसा को मिल चुकी है। और 21 दिन की पेरोल मिलने के बाद में यहाँ पर खुशी है और हर प्रेमी के अंदर खुशी है। तो हमारे साथ एक प्रेमी जुड़ चुके हैं, नमस्कार जी, क्या नाम है जी? दिनेश सिंह सर। 21 दिन की पेरोल मिल चुकी है जी, क्या कहना चाहोगे? मैं बहुत खुशी है इस चीज की, पेरोल मिलने की। हाँ जी, बहुत खुशी है, बहुत ज्यादा खुशी है जी। ठीक है, तो धीरे धीरे यहाँ प्रेमी इकट्ठे हो रहे हैं? हाँ जी, अभी तो नहीं इकट्ठे हो रहे हैं, जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो तो है ही यहाँ पर, बाहर से तो अभी कोई नहीं आया जी। ठीक है, तो धीरे धीरे यहाँ पर बाहर से भी प्रेमी आने धीरे धीरे शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो खुशी का माहौल है वो बना हुआ है। और आपको मैं दिखाना चाहूंगा, ये आप देख सकते हैं, ये सामने दिखाएं जी, सामने दिखाएं, सामने दिखाएं। तो सभी साथियों से गुजारिश है कि वीडियो को सभी साथी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा साथी शेयर करें। हम आपको बता दें कि किस तरीके से डेरा सच्चा सौदा सिरसा के बिल्कुल सामने मैं मौजूद हूं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से अब यहां पर एक अलग ही माहौल, अलग ही नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है। तो सभी साथियों से गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ये आप देख सकते हैं ऑटो, कार, मोटरसाइकिल सबकी लाइनें लग चुकी है और धीरे धीरे यहाँ पर जमावड़ा शुरू हो चुका है। और बाबा राम रहीम सिंह जी इंसा को यहाँ पर 21 दिन की पेरोल मिल चुकी है। और 21 दिन की पेरोल मिलने का कारण और मतलब, कुछ लोग तो राजनीतिक लगा रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत के संविधान में हर नागरिक का कर्तव्य है पेरोल लेने का और जमानत लेने का। तो सभी साथियों को मैं कहना चाहूँगा, ये आप देख सकते हैं कि डेरा सच्चा सौदा सिरसा का जो गेट है और उसके सामने मैं मौजूद हूँ। और उसके सामने का भी दृश्य दिखाएं, सामने का भी दृश्य दिखाएं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर, जो 21 दिन की जो पेरोल मिली है उसके बाद में मैं आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से गाड़ियाँ भर भर कर यहाँ पर आ रही है। और डेरा सच्चा सौदा सिरसा के जो प्रेमी हैं उनके अंदर जोश है, जोश के साथ होश है। और 21 दिन की जो पेरोल मिली है उसके बाद में हम आपको बता दें कि किस तरीके से यहाँ पर नज़ारा अलग देखने को मिल रहा है। सभी साथियों से गुजारिश है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा मेवाड़ा, तो सभी साथियों से गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।